आइए अब हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद अमरोहा की। पालिका चेयरमैन हाजी करार अंसारी ईओबीडी भट्ट ने रमजानुल मुबारक व जन्माष्टमी के मद्देनजर शहर में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश सफाई विभाग को दिए। पालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि वह सफाई में लापरवाही व कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर की सफाई के मामले में सफाई नायकों, इंस्पेक्टरों, सफाई कर्मियों के त्योहारों पर मिले सहयोग की प्रशंसा भी चेयरमैन ईओ ने करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार पहले के मुकाबले सफाई व्यवस्था बेहतर मिलेगी। सफाई विभाग के नायकों व कर्मियों ने चेयरमैन व ईओ को बेहतर व्यवस्था का आश्वासन दिलाया। सफाई विभाग को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह जन्माष्टमी पर मंदिरों के पास और रमजान में मस्जिदों के पास विशेष सफाई अभियान चलाए, जिससे रोजेदारों और मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। आइए अब हम बात करेंगे नगर पालिका परिषद अमरोहा की। पालिका चेयरमैन हाजी करार अंसारी ईओबीडी भट्ट ने रमजानुल मुबारक व जन्माष्टमी के मद्देनजर शहर में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश सफाई विभाग को दिए। पालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि वह सफाई में लापरवाही व कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहर की सफाई के मामले में सफाई नायकों, इंस्पेक्टरों, सफाई कर्मियों के त्योहारों पर मिले सहयोग की प्रशंसा भी चेयरमैन ईओ ने करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार पहले के मुकाबले सफाई व्यवस्था बेहतर मिलेगी। सफाई विभाग के नायकों व कर्मियों ने चेयरमैन व ईओ को बेहतर व्यवस्था का आश्वासन दिलाया। सफाई विभाग को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह जन्माष्टमी पर मंदिरों के पास और रमजान में मस्जिदों के पास विशेष सफाई अभियान चलाए, जिससे रोजेदारों और मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। शिवरात्रि के त्यौहार जैसे कि सामने आ रहे हैं, उसके बाद रमजान शरीफ शुरू हो जाएंगे, राम डोल का भी त्यौहार हमारे सामने है, तो आज जितने भी हमारे शहर के जमादार हैं और हमारे जितने सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, हमारी जो सबको मैंने आदेश निर्देश दे दिए हैं कि शहर में कहीं भी किसी जगह सफाई व्यवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। लाइट व्यवस्था के बारे में जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उनको भी आदेश दे दिए गए हैं कि कहीं कोई शहर के अंदर विकास व्यवस्था की कमी न रहे। जहाँ जहाँ की लाइटें ख़राब हैं या जहाँ जहाँ लाइटें न लगी हुई हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, और जहाँ जहाँ भी ये समस्या है लाइट की, वहाँ वहाँ सब वो देखेंगे और लाइट व्यवस्था को सुधारेंगे अपनी, मतलब सही उसका इंतज़ाम कराएंगे। हमारे बहुत शिकायतें जैसे कि नगर पालिका से मुतालिक आती भी हैं, तो मैं कभी ये महसूस नहीं करता कि ये शिकायत क्यों कर रहे हैं, बल्कि मैं अपने सुधार की बात महसूस करता हूं और अच्छी बात है कि लोग उसे अवगत कराते हैं तो मुझे काम कराने का मौका मिलता है। तो मैं शहर के आवाम से भी अपील करता हूं कि कहीं कोई कमी अगर नज़र आए किसी त्यौहार के मौके पर, तो उसके लिए मुझे अवगत कराएं, जिससे कि मैं व्यवस्था को सुधार सकूँ।